एचपी फिटनेस के ऊपर ऑलरेडी मैंने दो वीडियो बना रखा है, एक डिटेल रिव्यू और एक डिटेल्ड प्रोडक्टिविटी टेस्ट, दोनों ही आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस वीडियो में एज प्रॉमिस इस लैपटॉप का एक गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। टोटल 25 गेम्स हैं एंड सबको हम लोग इस लैपटॉप में चलाने वाले हैं मीडियम सेटिंग्स पर। और अगर आपको स्टोरी बेस्ड गेम्स पसंद है, अच्छे ग्राफिक वाले गेम्स पसंद है, आपको ई स्पोर्ट्स में जाना ही नहीं है, तो एनीथिंग अबव 40-45 FPS इज कम्प्लीटली प्लेबल। ऑल्सो ये वाला लैपटॉप एक 60 Hz का लैपटॉप है, तो अगर आप इसमें स्टोरी बेस्ड गेम्स खेलते हो तो उसके लिए ये वाला लैपटॉप जो है परफेक्ट रहने वाला है। बट रुको, जरा गेम प्ले बेंचमार्क्स तो दिखाएंगे, वो तो आता रहेगा, बट पहले इसका स्पेक्स तो सुन लो, इसमें क्या मिलता है। इसमें आपको मिलता है एक Ryzen 5 5600H, GTX 1650 4GB ग्राफिक कार्ड, 8GB रैम, हमने इसको 16GB में अपग्रेड नहीं किया है। अगर आप चाहते हो तो अपग्रेड कर सकते हो 16GB में। अगर अपग्रेड करते हो तो आपको गेम्स में और भी बढ़िया FPS देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप इसको अपग्रेड कर लेना 16GB रैम में। एंड बेस्ट जो रैम होने वाला है इस लैपटॉप के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आकर आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप इन दी एंड इस लैपटॉप का गेमिंग परफॉर्मेंस से खुश होते हो एंड आप इस लैपटॉप को खरीदना चाहते हो, तो इसका जो बेस्ट वाला लिंक है वो आपको एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आकर आप इस लैपटॉप को डायरेक्टली खरीद सकते हो। और अभी मैं आपका बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द बेंचमार्क। बट उससे पहले दो चीजें, इसको हमने चार्जर लगा के खेला था, इसको हमने एक कंट्रोलर के साथ खेला था ताकि ऑन स्क्रीन जो है कोई इंटरप्शन देखने को ना मिले, तो इस बात का ध्यान रखना एंड लेट्स गो।
सो दैट वाज प्रीटी मच ऑफ इट गाइस। आपने देखा कि HP Victus का जो 1650 वाला मॉडल है वो भी आपके सारे के सारे गेम्स को इंक्लूडिंग 2021 के गेम्स को जो है अराउंड मीडियम टू हाई प्रीसेट पर 50 टू 60 FPS आराम से दिलवा सकता है, चाहे हम लोग कोई भी हाई ग्राफिक गेम की बात करें जैसे कंट्रोल, उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें आपको 60 FPS बहुत आराम से देखने को मिल जाता है मीडियम प्रीसेट पर। बाकी सारे गेम्स में जो है आपको 45 टू 50 FPS देखने को मिलता है, बट दैट इज कंप्लीटली फाइन क्योंकि इसमें आपको 1650 वाला मॉडल दिया जाता है एंड उसी हिसाब से आपका गेमिंग परफॉर्मेंस होगा। होपफुली आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, होपफुली आपको ये वाला लैपटॉप का गेमिंग परफॉर्मेंस पसंद आएगा जिस प्राइस में ये आता है। तो मेक श्योर क्या वीडियो को लाइक कर दे, ऑल्सो अगर आपको लैपटॉप पसंद है तो उसका जो बेस्ट वाला लिंक है वो आपको एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर इस लैपटॉप को डायरेक्टली खरीद सकते हो। ऑल्सो अगर आपको इस तरह का वीडियोस आगे भी देखना है लैपटॉप एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अभी का अभी, और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए यार कीप गेमिंग एंड सी यू।